मुद्दली नमः मार्कण्डेय वाचा श्रीशी वाचा ओम अच्युताय नमः भगवान दिवाकना भैरवाय नमः परमना भैरवाय नमो नमः भगवान नारायणाय नमः पंचजन्याय नमो नमः हाथ धो लीजिएगा सो बादम परख लेते ओम अच्युताय नमः पी लीजिए अच्युताय नमः स्वाहा केशवाय नमः स्वाहा गोविंदाय नमः स्वाहा श्री नारायणाय नमः स्वाहा धो लीजिएगा सो बादम परख लेते ओम भगवान नारायणाय नमः बाएं हाथ में जल लीजिए बाएं में ओम अपवित्र पवित्र ऐसे ओम अपवित्र पवित्र ओ प्योज आय समर्थे पुंडलीकाक्षा ब्रह्मा वयंत्रा सुधि देने हाथ में रखिए भगवान पवित्र ऐसे करके पवित्राय नमो नमः पवित्राय नमो नमः पृथ्वी में हाथ रखिए पृथ्वी मंत्र मेरु छंदा कूर्मो देवता पृथ्वी पूजने विनियोगा पृथ्वी धृता लोकां देवी चम धार्यम पवित्र कुरुवासनम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगल हरि भगवान पृथ्वी नमो नमः आधार शक्ति नमः बाएं हाथ में चावल ले लीजिएगा बाएं में देने हाथ से ऐसे ढक लीजिएगा पशु बंधु ये भूता वैश्विता ये भूता विघ्नकर्ता ना संतु शिव गय ऐसे करके पूर्व दिशाई नमो नमः पूर्वाय नमः उत्तर दिशाई नमः उत्तराय नमो नमः दक्षिण दिशाय नमः पश्चिम दिशाई नमो नमः ऊर्ध दिशाई नमो नमः हरि ओम सर्व नीचे चढ़ा दीजिएगा भगवान अक्षतम समर्पयामि फिर फूल लेकर हाथ जोड़ कर एक फूल ले लीजिएगा भगवान क्रम साखणी पटकनाल भैरवाय नमः दिए का ध्यान करके कलश भगवान का ध्यान करके पटकनाल भैरवाय नमः ओम भगवान गंधक्षतम हर्घ्यम दातिम समर्पयामि भगवान पटकनाल भैरवाय नमः अक्षतम समर्पयामि धूपम धापयामि दीपम नैवेद्यम जलार्पणम फलम समर्पयामि भगवान पटकनाथ भैरवाय नमो नमः ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमस्तुते जय तुम देवी चामुंडे जय भूताधिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते शुभम भूत कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा हर शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते भगवान पटकनाथ भैरवाय नमः दीपकनाथ भैरवाय नमः पुष्पम समर्पयामि हरि उमा लोटे पे हाथ लगा लीजिएगा ओम भगवान गंगाय नमः हरि हरि द्वाराय नमो नमः रुद्र प्रयागाय नमः कर्ण प्रयागाय नमः सोन प्रयागाय नमः विष्णु प्रयागाय नमः बद्री नारायण गंगोत्री यमुनोत्री त्रिवेणी सहित गोमती तीर्थ सरयू सहित गंगाया गच्छ यात्रिष्ठ गच्छतम समर्पयामि फिर फूल लेकर हाथ जोड़कर गंगा जी का ध्यान करके फूल तोड़ लीजिएगा गंगा जी का ध्यान करके गंगा जी को प्रणाम कर लीजिएगा ओम नमामि गंगे तो पाद पंकजाम सुरासुराभिरूपम मुक्तिम च भूति च ददासि नित्यम भवानुसारेण सदा नराणाम ब्रह्मावेदपति सुपतिपति सुग्राम सुराणमपति प्राणोधिपति तथा गीत ज्योतिष्पति चंद्रमा आवोधि सरिता जलपति सूर्यो गृहाणपति सर्वे देवतयापेन सहिता कुर्वन्तु ते मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगल यतनो हरि गंगाये नमो नमः अंदर चढ़ा दीजिए लोटे के अंदर गंगाये नमो नमः भगवान घंटा कर्ण देवता भ्यो नमः घंड्याल देवता अभिमन्यु नमः भगवान पंचजन्य शंखाये नमो नमः एक दंता विद्मये गंधक्षतम समर्पयामि घंटा शंखाये नमः पद्म शंखाये नमः अक्षतम समर्पयामि भगवान घंटा कर्ण देवता भ्यो नमः शंखाये नमः धूपम धापयामि दीपम दर्शयामि धूप दीप भ्रांतम च आगमार्थम निगमार्थम च भूतानाथम घंटानाथम करोमियम घंटा भाजतम शंखम पुनर्शंखम देव शंखम कृष्ण शंखम पंचजन्य शंखम नमोस्तुते ओम भगवान पंचजन्याय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि फूल लेकर आसनम पद्म करो दिवावो पद्मांजुते सात तुरंग बाना देवा करो लोक गुरु किरीटे मयि प्रसादाभिदुधातु देवा सूर्य भगवान नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते ओम भगवान सूर्य नारायणाय नमः ऐसे परिक्रमा कर लीजिए भगवान सूर्य की यानि कानी च पापानी जन्म जान के तानी च तानि तारि प्रदक्षिणी प्रदक्षिणी पदे पदे नमो ब्राह्मण देवाय गौब्रह्मायिकाय च जगदिता कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः भगवान सूर्य नारायण पुष्पम समर्पयामि तीन बार जल दीजिए भगवान सूर्य के नाम से नवग्रह मंडली सूर्य नारायणाय नमः नवग्रह मंडली सूर्य नारायणाय नमः नवग्रह मंडली सूर्य नारायणाय नमो नमः भगवान भास्कर देवता भ्यो नमः एक फल चढ़ा लीजिएगा कदली गर्भ संबोधम
विष्णुकांति नमस्ते दैने हस्ते फलम समर्पयामि भगवान नारायणाय नमो नमः द्रव दक्षिणा लीजिए भगवान सूर्य की सूर्य भास्कर आदि देवता भ्यो नमः द्रव दक्षिणम समर्पयामि भगवान भानवे नमो नमः मम यजमानस्य भाली तिलक ओम भगवान भद्रमसु शिवंचस्तु महालक्ष्मी प्रसिद्धतु सर्वेषु स्थिरं भव सर्वदा जन्म दिन विधि पूजनम गंगाक्षतम समर्पयामि हरि ओम महावस्त्रम लज्जा वस्तु निवार्य मया निवेदितम वस्त्रम प्रतिगृहताम येन विन्द्रो बली राजा दान विन्द्रो महाबला तेन ते रक्षन्तु मांजल मांजला असौ सामा बली व्यास हनुमान जी कृपाचार्य परशुराम जी जन्म दिन सप्त जीवनम सप्त ऋषि देवता रक्षा कुरु मे सदा बालक रक्षा कुरु सदा बालक रक्षा कुरु सदा हरि ओम रक्षा कुरु सदा। फिर फूल लेकर हाथ जोड़कर अपने इष्ट का ध्यान करके कुल देवता का ध्यान करके गौरी गणेश नवग्रह कलश भगवान श्री सत्यनारायण जी का ध्यान करके गुरु जी का ध्यान करके नवग्रह को ध्यान करके सभी देव देवताओं को कलश भगवान वरुण भगवान को प्रणाम करके ओम स्वस्ति नंद्रो वीरस्रवाहा स्वस्ति नपुंसा स्वस्ति नतारिषु अरिचलिनी स्वस्ति नतारिषु अरिचलिनी ओम पयः पतिर्यां पयो कदेवपयो शांतिरंतरिक्षकं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरुसदय शांति वनस्पतय शांति विश्वानिदेव सवितुरिता निपराशुवं जद्वद्रं तन्नाशुवा ओम शांति शांति सुशांति भवतु। श्री भगवान गौरी गणपते नमः गौरी गणेश को नमस्कार करके लक्ष्मी नारायण भ्याव नमः लक्ष्मी नारायण को नमस्कार उमा महेश्वरा भ्याव नमः भगवान शंकर गौरी को नमस्कार सची पुरंदरा भ्याव नमः अपने माता पिता गुरु के चरणों का ध्यान करके इष्ट देवता भ्याव नमः कुल देवता भ्याव नमः ग्राम देवता भ्याव नमः स्थान देवता भ्याव नमः सर्वे देवे भ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणे भ्यो नमः ऋद्धि बुद्धि सहिताया भगवान गौरी गणेशादि देवता आवनम पुष्पम समर्पयामि चढ़ा दीजिएगा गौरी गणपति आदि देवता भ्यो नमो नमः हरि ओम ओम विष्णु विष्णु हरि हरि संकल्प ले लीजिएगा हरि ओम विष्णु विष्णु हरि हरि नमो प्राण पुरुषोत्तमाय श्रीमद् भगवतो विष्णु राघवस्य आद्य ब्राह्मणा द्वितीय प्रादे जम्बूदीपे भारत खंडे भारत वर्षे आर्यवर्तांतर देशांतर्गते कुरुक्षेत्रे कलियुग प्रथमचरणे मासाना मासोत्तमे माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी संयुक्तायाम च मम यजमानस्य अपना नाम ले लीजिएगा गौत्र का उच्चारण कर लीजिएगा सांगाय सकुटुम सब प्रवास तस्य सर्वे जन्म दिन विधि पूजनम च नवग्रह शांति सूर्य सोम भौम बुध बृहस्पति गुरु शुक्र शनि राहु केतु गौरी गणेशा देवता दुर्गा पूजनम कलश वर्ण देवता भ्यो नमः सर्वे श्री शालिग्राम सत्यनारायण पूजनम च सप्त ऋषि पूजनम च जन्मदिन विधि पूजनम च लखनऊ मंडलांतर्गतना एच एल केदारेश्वर महादेव सन्निधो नैमिषारण्य तीर्थ संयुक्तायाम च इस जगह का नाम भवन संख्या का नाम ले लीजिए अपना नाम ले लीजिएगा राशि कौन सी राशि है आपकी मेष राशि बालकस्य अंतर्दशा महादशा योगनी दशा ग्रह दशा सर्वे ग्रह दशा शांति कल्याणार्थम भगवान धनु धनु तुला लग्नो दिया तुला लग्नो अष्टम नवम भावे शनि मंगल बुध शुक्र दशम भावे राहु सूर्य एकादश भावे द्वादश भावे मेष मेष भावे चंद्रमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम भावे षष्ठम भावे लग्नेश बुद्धेश सर्वे ग्रह शांति कल्याणार्थम च मम यजमानस्य फिर अपना नाम ले लीजिएगा कश्यप गोत्र उत्पन्ना जन्म नक्षत्र अश्विनी नाम नक्षत्रे सर्वे कष्ट दोष दुख निवारणार्थम च भगवान महादशा योगिनी दशा सर्वे ग्रह दशा शांति मा दशा जन्म केतु केसु केसु आचंभ राव कल्याणार्थम देव पूजा ग्रह दशा शांति कल्याणार्थम च अहम करे से हे गौरी गणपत्या देवता भ्यो नमो नमः। फिर फूल लेकर हाथ जोड़ लीजिएगा गणेश जी का ध्यान करके गणेश जी को प्रणाम करके ओम सुमकस्य कदंतस्य कपिलो गति कर्णका लंबोदर सभिघटो विघ्ननाश गणाधिप अधूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यापटक्षेणो यादपि विद्यारम्भे व्याये च प्रवेशे निर्गमे तथा
संग्रामी संकटस्य वा विघ्नस्य न जायते शुक्लां प्रतरं देवं शशिभरणं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते गौरी गणपत्यादेताभ्यो नमो नमः। पुष्पासनं समर्पयामि भगवान गौरी गणेशादेताभ्यो नमः। फिर फूल लेकर हाथ जोड़कर कलश भगवान का ध्यान करके हाथ जोड़ के कलश से मुखे विष्णु कलश के मुख में भगवान विष्णु का ध्यान करिए। कंठ में भगवान शंकर का ध्यान करिए। ब्रह्मा ब्रह्माणी का ध्यान इंद्र इंद्राणी का ध्यान सर्वे समुद्र तीर्थों का ध्यान भगवान कलश वर्ण देवताभ्यो नमो नमः। आवनम पुष्पम समर्पयामि दे दीजिएगा भगवान कलश वर्ण देवताभ्यो नमो नमः। फिर फूल लेके ले लीजिएगा ये फूल माँ भगवती का ध्यान करके पहले दुर्गा चंडिका खड़गम माँ भगवती चंडिकाय नमः चढ़ा दीजिएगा धूम दुर्गा ये नमो नमः। फिर फूल लेकर हाथ जोड़ कर सप्तऋषियों का ध्यान करके सप्तऋषियों को प्रणाम करके प्रथम ऋषि को प्रणाम अश्वत्थामा बलि व्यास जी को प्रणाम मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम हनुमान जी को प्रणाम विभीषण जी को प्रणाम मार्कंडेय परशुराम सप्तऋषि देवता भ्यो नमो नमः। भगवान सप्तऋषि देवता यागच्छ यातिष्ठ मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि जन्मदिन विधि पूजनम सप्तऋषि देवताए भ्यो नमः। फिर फूल लेकर नवग्रह जी को प्रणाम करके पहले पहले ओम गिरी सूर्याय नमः सूर्य भगवान को प्रणाम सोमाय नमः सोम जी को प्रणाम मंगल जी को प्रणाम पुम बुद्धाय नमः बुद्ध जी को प्रणाम ब्रह्म बृहस्पति नमः बृहस्पति जी को प्रणाम सुम शुक्राय नमः शुक्र जी को प्रणाम सम शनिचराय नमः शनि भगवान को प्रणाम रंग राहु नमः राहु जी को प्रणाम केम केतवे नमः केतु जी को प्रणाम। भगवान योगिनी दशा अंतर्दशा महादशा सर्वे ग्रह दशा मम यजमानस्य शांति कल्याणार्थम च नवग्रह देवता मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि हरि ओम। फिर जल ले लीजिएगा से पहले यहाँ पर चढ़ाइए गौरी गणेश जल स्नान अर्घ्यम नाचनीम जलम समर्पयामि। फिर जल उठाइए कलश वर्ण देवता भ्यो नमः जल स्नान समर्पयामि जल आवनम ध्यानम समर्पयामि। फिर भगवती दुर्गा को जलाचनीम समर्पयामि जलाशनिम समर्पयामि भगवती चंडिकाय नमः। फिर भगवान सप्तऋषियों का ध्यान करके सप्तऋषि देवता भ्यो नमः जलाशनिम समर्पयामि। फिर जल उठाइए भगवान नवग्रह देवता भ्यो नमो नमः जलाशनिम समर्पयामि नवग्रह देवता भ्यो नमो नमः। चमच वहीं रख लीजिएगा हरि ओम। फिर रुपया पंचामृत स्नान कराइए ये पंचामृत इसमें कटोरी पे निकाल लीजिए पंचामृत ओम भगवान प्रणाम पंचामृत स्नान समय चम्मच निकालो तो चम्मच निकालो ओम पंचामृत स्नान समर्पयामि निकालो थोड़ा हरि ओम गौरी गणपति आदि देवता हल्का सा सब कुछ छुआ दो ये बस पंचामृत स्नान समर्पयामि भगवान पंचामृत स्नान समर्पयामि सर्वदेवेभ्यो नमो नमः कलश प्रणामि। फिर जल स्नान कराइए जल पंचामृत स्नान प्राप्तम च शुद्ध गंगा जल स्नान समर्पयामि भगवान शुद्ध गंगा जल स्नान समर्पयामि पंचामृत स्नान समर्पयामि जल स्नान समर्पयामि जलस्नानं समर्पयामि भगवान सर्वदेवेभ्यो नमो नमः जलस्नानं समर्पयामि कलशवर्णदेवताभ्यो नमो नमः हरि ओम। वस्त्रं रज्जावस्तु निवार्य पहले पहले गौरी गणेश को वस्त्र पहनाइए ओम भूर्वास्वा भगवान गौरी गणपत्या देवताभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि हरि ओम कलशवर्णदेवताभ्यो नमः हाथ लगा लीजिएगा कलशवर्णदेवताभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि हरि ओम। श्री भगवती दुर्गाय नमः ओम महाकाली नमः ओम महाकाली नमः महालक्ष्मी नमः महासरस्वती नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्री भगवती चंडिका दुर्गा ज्वालाये नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सप्तऋषि देवताभ्यो नमः हरि ओम। प्रथम भगवान प्रथम ऋषि देवता द्वितीय ऋषि देवता तृतीय ऋषि चतुर्थ ऋषि पंचम ऋषि षष्ठम ऋषि सप्तऋषि देवताभ्यो नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि भगवान ग्रह कुंडली देव कुंडली वस्त्रं समर्पयामि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः पहले पहले भगवान सूर्याय नमः फिर सोमाय नमः फिर मंगलाय नमः फिर बुद्धाय नमः ब्रह्म बृहस्पति नमः सुम शुक्राय नमः सम शनिचराय नमः रंग राहवे नमः केम केतवे नमो नमः। सर्वे नवग्रह देवता वस्त्रं समर्पयामि नवग्रह देवता भ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि हरि ओम। गंधम ईशपुत्र नमस्तुभ्यं नमो मूषकवाहनम गंध गोवर्षा मम शोका विवर्धया गंधम थाली को छू लीजिएगा गंधम समर्पयामि ओम भूर्वास्वा भगवान गौरी गणेशा देवता भ्यो नमः भगवती दुर्गाय नमः चंडिकाय नमः महाकाली महालक्ष्मी मां सरस्वती कलश वर्ण देवता भ्यो नमो नमः गंधम समर्पयामि श्री सप्तऋषि देवता भ्यो नमो नमः हरि ओम। नवग्रह देवता भ्यो नमो नमः गंधम हरिद्रम कुंकुम चंदनम समर्पयामि सर्वदेवे भ्यो नमो नमः अक्षतम धवलम देवा देव पूजा नमस्तुते गौरी गणपत्या देवता भ्यो नमः गंधक्षतम
समर्पयामि नैवेद्यम, फल चढ़ा लीजिएगा। ओम कदली गर्भ संबुदा, गौरी गणेश में कदली गर्भ संबुदा, विष्णु कांति नमस्ते, फलम समर्पयामि हरि नम हस्तो अर्घ्यम, फलम समर्पयामि भगवती चंडिकाय नम, धूम दुर्गाय नम, कलश वर्ण देवताय भ्यो नमो नमः, फलम समर्पयामि फल नैवेद्यम निवेद्यामि, नैवेद्यम निवेद्यामि भगवान नारायणाय नमो नमः। ओम नाभ्याम आसीदं चारिता गुं श्रेष्ठा दिवसं वर्तते पद्मा भूमि दृशा गौरी गणपत्या देवता सप्त ऋषि देवता भ्यो नमो नमः। नैवेद्यम निवेद्यामि ओम प्राणाय स्वाहा, नैवेद्यम निवेद ऐसे पांच बार स्वाहे, ओम प्राणाय स्वाहा, गौरी गणेश नवग्रह कर दो देवता, सभी देव देवता अपना भोग सह स्वीकार करिए। हे गणेश महाराज जी अपना भोग स्वीकार करिए, भाव के भूखे हैं भगवान नारायण, भाव से हमने बनाया। नैवेद्यम निवेदयामि रख दीजिए वही पे, भगवान गौरी गणपति आदि बिताए भ्यो नमो नमः। नैवेद्य उपरांतम च जल आचमनी, जल चढ़ाइए थोड़ा सा, जल आचमनी समर्पयामि भगवान गौरी गणपति आदि देवता भ्यो नमो नमः, जल आचमनी समर्पयामि ऐसे घुमा लीजिएगा। ओम प्राणाय नमः, नीचे छोड़िए प्राणाय नमः स्वाहा, फिर घुमाइए, समानाय नमः स्वाहा, फिर घुमाइए, उदानाय नमः स्वाहा। नैवेद्य उपरांतम जल आचमनी समर्पयामि, बस रख दीजिएगा। हरि ओम, फिर फूल लेकर हाथ जोड़िए, पहले भगवान देव देव पूजा नमस्ते, नारायण नमस्कृतम, नरम चैव नरोत्तम, देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेत, चढ़ा दीजिएगा। ओम भूर्वासा भगवान गौरी गणपत्या देवताय भ्यो नमो नमः। गर्भ दक्षिणा चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ा के पहले पहले गणेश जी में चढ़ा लीजिएगा। भगवान गौरी गणपत्या देवताय भ्यो नमो नमः, गर्भ दक्षिणम समर्पयामि भगवान गौरी गणपत्या देवताय भ्यो नमो नमः। ओम पूर्वासा, फिर कलश भगवान में चढ़ाइए, द्रव्यदक्षिणम समर्पयामि कलश वर्ण देवता भ्यो नमो नमः। हरि ओम, द्रव्यदक्षिणम समर्पयामि कलश वर्ण देवता भ्यो नमो नमः। फिर नवग्रह जी में चढ़ा लीजिए, उधर नवग्रह देवता भ्यो नमः, द्रव्यदक्षिणम समर्पयामि भगवान द्रव्यदक्षिणम समर्पयामि नवग्रह देवताय भ्यो नमो नमः, द्रव्यदक्षिणम समर्पयामि। हरि ओम, सप्तऋषि देवता भ्यो नमः, फिर सप्तऋषियों को चढ़ाकर द्रव्यदक्षिणा, सप्तऋषि देवता भ्यो नमो नमः, नवग्रह देवता सप्तऋषि देवता भ्यो नमो नमः, द्रव्यदक्षिणम समर्पयामि भगवान वासुदेवा पंचलोकपाल सत्यपाल सप्तऋषि देवता भ्यो नमो नमः। हरि ओम, धूपम धापयामि दीपम दर्शयामि धूपदीप उपरांतम जलाचमनीम समर्पयामि। फिर फूल लेकर हाथ जोड़ लीजिएगा, पहले पहले गणेश जी की प्रार्थना करिए। ओम गजाननम भूत गणाधिशिरम कपीत जम्बू फल चारु भक्षणम नमासु तमसो कविनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियाग विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते लंबोदरम नमस्तुभ्यं सदगम मोदकम प्रिया अनिर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गौरी गणपति नमः, फिर फूल लेकर हाथ जोड़ कर माँ भगवती को प्रणाम करके, माँ दुर्गा का ध्यान करके, वैष्णव माता को प्रणाम, चंडी महारानी को प्रणाम, मनसा मैया को प्रणाम, ज्वाला मैया को प्रणाम, धारी मैया को प्रणाम, राज राजेश्वरी को प्रणाम, भगवती चंद्रवदनी को प्रणाम, ओम चंद्रिकाय को प्रणाम, ललिता मैया को प्रणाम, बिंदवासिनी शारदा ललिता चामुंडा को प्रणाम, नव दुर्गों को प्रणाम करके, खड़गम चक्र गदेश चापरिगाम चूलम्बु शुंडम सिरा संगम संगते कृष्णनाम सर्वांग भूषामृताम नीला संगते मत्स्य पाद तत्काम सेवे महाकालिकाम यामदोतपिते हरे कमलजो मंत्रो मधुकैटवम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमो तस्से नमो तस्से नमो तस्से नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवती दुर्गाय नमः, फिर फूल लेकर हाथ जोड़कर सप्तऋषियों का ध्यान करके, सप्तऋषियों को प्रणाम करके, पहले पहले हनुमान जी ओम हनु हनुमते नमः, फिर कृपाचार्य जी ओम कृपाचार्याय नमः, फिर मार्कंडेय ऋषि ओम मार्कंडेय ऋषि नमः, फिर विभीषण जी ओम विभीषणाय नमः, फिर अश्वत्थामा ओम अश्वत्थामाय नमः, ओम बलिव्यास ओम बलिव्यासाय नमः, भगवान सप्तऋषि देवता परशुराम देवता परशुरामाय नमः, सप्तऋषि देवता मम जन्मदिन विधि पूजनम च सर्वे ग्रह शांति जन्मदिन विधि पूजनम सप्तऋषि देवता पूजनम च मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि सप्तऋषि देवता भ्यो नमो नमः। फिर फूल लेकर हाथ जोड़कर नवग्रह जी का ध्यान करके प्रणाम करके, सप्तऋषियों के बाद नवग्रह
ब्रह्मा मुरारी स्प्रांतकारी भानु सस्ती वो मिसुतो बुद्धस्या हर गुरु सुक्रो सनिराहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु सूर्या समद वीर पद वीर मंगलम मंगलम सर्वधे गुरु दम शुभम शनि राहु बाहुबलम केतु आस्थितम वितम च धर्म लाभो बहु पुत्रांश हर शत्रु क्षयम पूजितम दुष्टम गरम क्षेम करा भवंतु अमंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजा हर मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि नमः देवताभ्यो नमो नमः भगवान इष्ट देवताभ्यो नमः बाएं हाथ में चावल ले लीजिएगा दाहिने हाथ से थोड़ा थोड़ा करके गौरी गणपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः वाणी रणगर्भाभ्याम नमः सती पुरुन्द्राभ्याम नमः मातृ पितृ गुरु चरण देवताभ्याम नमः इष्ट देवताभ्याम नमः कुल देवताभ्याम नमः ग्राम देवताभ्याम नमः स्थान देवताभ्याम नमः सर्वे देवेभ्यो नमः सर्वे तीर्थाय नमः सर्वे समुद्र देवताभ्यो नमः जन्मदिन विधि पूजनम च श्री भगवान नारायणाय नमो नमः दाहिने हाथ में छोड़कर सब चढ़ा दीजिएगा नारायणाय नमो नमः हरि ओम ऐसे पांच बार चौकी को प्रणाम चौकी पूजन हो गया चौकी को प्रणाम करके भगवान सर्वदेवाय भ्यो नमो नमः नारायणाय नमः पंचदेवाय नमो नमः चौकी पूजनम च नमस्तुते हरि ओम फिर हाथ में संकल्प ले लीजिएगा विष्णु विष्णु हरि हरि नमो प्राण पुरुषोत्तमाय श्रीमद भगवतो विष्णु रागस्य आद्य ब्राह्मण अपना नाम ले लीजिएगा गोत्र को उच्चारण करिए कश्यप गोत्र उत्पन्ना नाम लेके मेष राशि सर्व कष्ट दोष दुख नारणार्थम जन्म दिन विधि पूजनम उपरांतम श्री शालिग्राम सत्यनारायण पूजनम च ओम भूर्वासा शुद्ध गंगा जल स्नानम ओम गंगाय नमः ओम अलकनंदाय नमः ओम मंदाकिनी नमः ओम भागीरथी नमः ओम सरयू नमः सर्वे समुद्र त्रिवेणी सहित शुद्ध गंगा जल स्नानम समर्पयामि कटोरी पर रखिए इस ऐसे पर रखिए जी को पंचामृत स्नान कराइए ओम पया पृथ्वीभ्याम पया ओकादे गोपयोज पय सती संतोमय मह पांच बार कराइए पया पृथ्वीभ्याम पया ओकादे गोपयो दिव्यांतरिक्षे पयो ध्याम पय सती संतोमय मह ओम पया पृथ्वीभ्याम पया ओकादे गोपयो दिव्यांतरिक्षे पयो ध्याम पय सती संतोमय मह पयो धरती सुतम च वह मधु कृतम पंचामृत स्नानम दयानिधि पंचामृत स्नानम समर्पयामि बस फिर भगवान जी को उठा लीजिएगा जो हाथ में उठाइए नहीं नहीं वो भगवान जी को लो ओम पंचामृत स्नानम शुद्ध गंगा ऐसे करके शुद्ध गंगा जल स्नानम प्रांतम वस्त्रम लो वस्त्रम समर्पयामि यज्ञो यज्ञो पवितम सर्वम पवितम प्रजा परेतम बलमस्तु तेजा आयुष्यमग्रम प्रतिमोच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा तुलसी पत्ता चढ़ाए तुलसी सरसिके पापहारिणी पुषति नमस्ते नारदानोते नमो नारायणी प्रिय टीका करिए ओम सिंदूरम सोनम रक्तम सुसादुम हल्दी हरिद्रम कुंकुम सेवा देव पूजा नमस्ते गंधक्षतम समर्पयामि भगवान वासुदेवाय नमो नमः नारायण नमः हरिद्राय नमः देवदेवाय नमो नमः अक्षतम समर्पयामि श्री भगवान वासुदेवाय नमो नमः हरि ओम दक्षिण चढ़ाई उसमें द्रव दक्षिणम समर्पयामि संकंद देव पूजा च हितार्थाय नमस्तुते द्रव दक्षिणम समर्पयामि भगवान वासुदेवाय श्री नारायणाय नमो नमः द्रव दक्षिणम समर्पयामि नारायणाय नमो नमः फूल चढ़ाए पुष्पम समर्पयामि भगवान वासुदेवाय नारायण हाथ में ले लीजिए अब ओम भगवान सत्यनारायण जी का ध्यान करके हे नारायण जी आप हमारे घर में आए हैं भगवान आपने हमको देव पूजा हितार्थम च हमने आपको पंचामृत स्नान करा के गंगा जल स्नान करा के तुलसी पत्ता चढ़ा के गंधक्षत टीका करके यथाशक्ति भक्ति आपकी की भगवान हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखना हमारे ग्रहों को भी शांति रखना सत्यनारायण विष्णु देव नमस्ते देव पूजा हितार्थम च नारायणाय नमो नमः माथे पे लगा लीजिए भगवान जी को नमः श्री सत्यनारायणाय नमः हृदय में लगा लीजिए मम हृदय निवासम कुरु में सदा ये भगवान जी हमारे हृदय में हमेशा निवास करते रहिए हमारे माथे में आप भगवान निवास करते रहिए माथे में लगाइए फिर भगवान नारायणाय नमो नमः बाहुबल हमको बाहुबल भी दीजिएगा भगवान हृदय बल दीजिएगा नारायणाय नमो नमः श्री सत्यनारायण धूपम धापयामि दीपम दर्शयामि वस्त्र अलंकारम समर्पयामि पांच फल उठा लीजिए फलम देव पूजा हितार्थम च नमस्तुते देव पूजा हितार्थम च पंच फलाय नमस्तुते प्रथम फल नारायणाय नमः द्वितीय फल लक्ष्मी नमः तृतीय फल
नारायणं विष्णुवे नमः चतुर्थं च ब्रह्मदेवाय नमः पंचमं फलं सर्वदेवेभ्यो नमो नमः इति पांच बार चालि जी पंच फलं समर्पयामि पंच फलं समर्पयामि पंच फलं समर्पयामि वहीं पे रख दीजिए नेवीर उठाई वाला वो पंजरी ओम। हाथ दोनों हाथों में ऐसे करके नैवेद्यम भगवान नारायण जी हमने जो नैवेद्य बनाया भोग बनाया जिसको आप सह स्वीकार कर लीजिएगा। भगवान प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा भगवान नारायणाय नमः भगवान ध्यानाय स्वाहा भगवान गोविंदाय नमः भगवान अपानाय स्वाहा भगवान श्री कृष्णाय नमः भगवान अपानाय स्वाहा रामचंद्राय नमः भगवान श्री शालिग्राम सत्यनारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि भगवान वासुदेवाय नमो नमः नैवेद्यो प्राप्तं च जलाश्विनीं समर्पयामि ओम भूर्वास्वा पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यो प्राप्तं जलाश्विनीं समर्पयामि भगवान नारायणाय। पांच बार से छुआ लीजिए श्री नारायणाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं निवेदयामि गोविंदं आत्ममेव समर्पयेत्। हे गोविंद भगवान जी आपकी दी हुई वस्तु है आपको समर्पण है। पांच बार फिर से प्रणाम श्री नारायणाय नमः श्री गोविंदाय नमः वासुदेवाय नमो नमः हरि ओम। फिर फूल लेकर हाथ जोड़ लीजिएगा भगवान नारायण जी का ध्यान करके गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की नौमिशान तीर्थ में सौन कादि 28,000 से सूर्य से पूछने लग गए हे प्रभु कौन सा व्रत है जिसके करने से अनेक कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति मिलती है। सुख मिलता है शांति मिलती है भगवान की प्राप्ति होती है। कोई ऐसी व्रत कथा बताइए। तो व्यास जी कहने लगे ऋषियों इसी प्रकार क्या है नारद जी वैकुंठ धाम को गए और भगवान का ध्यान किया। कैसा ध्यान किया चक्र जिनके हाथों में कुंडल पहने हुए पीला वस्त्र धारण किया है ऐसे भगवान का ध्यान किया। तो भगवान ने दर्शन दिया और कहा हे नारद जी तुमने हमको क्यों याद किया। तो नारद जी कहने लगे कत्तमसे महाभागा देव पूजा नमस्तुते हे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं हमने आपको क्यों याद किया भगवान की हम क्यों पूजा कर रहे हैं क्यों नाम ले रहे हैं ये सब भगवान जान रहे हैं फिर भी भगवान आप हमसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं। तो भगवान कहने लगे हे नारद जब तक मन के विचार व्यक्त नहीं करोगे तब तक भगवान भी नहीं सुनेंगे। जब तक हम काम नहीं करेंगे कर्म नहीं करेंगे तब तक हम क्या है उसका उपाय भी कैसे ढूंढ पाएंगे। इसलिए कहते हैं हे नारद कर्म जरूरी है कर्म करिए बोलिए तो तुम्हारे मन में क्या है। तो नारद जी कहने लगे विष्णु लोक महादेवा विष्णु पूजा नमस्तुते हे भगवान हम लोकों लोक में घूमे मृत्यु लोक में बड़ा दुख है वहाँ कोई सुख की प्राप्ति नहीं है इसलिए उस दुख को दूर करने के लिए कोई ऐसी पूजा बता दीजिए एक घड़ी आधा घड़ी एक ही घड़ी से आधा ही घड़ी से थोड़ी देर से ही भगवान का नाम लिया जाए। तो भगवान ने कहा हे नारद एक ऐसी पूजा जो हमको प्राप्त होती है कौन सी श्री सत्यनारायण है। तो श्री नारायण देव नारायण श्री सत्यनारायण का मतलब क्या भगवान के आगे सत्य बोल रहे हैं आप सत्य का नाम ले रहे हैं आप सत्य का ध्यान कर रहे हैं आप सत्य की सेवा कर रहे हैं इसलिए हे प्रभु इसका क्या विधान है। नारद जी ने भी पूछा विधान क्या है। तो भगवान कहने लगे कदली फल मेवा गेहूं का चूर्ण बनाना और बंधु बांधव सहित नारायण का नाम लेना। कदली फल मेवा गेहूं का चूर्ण जो कुछ हमसे हो सके भगवान का नाम लेना ध्यान करना। फिर नारद जी कहने लगे कि तम देव पूजा छो ये प्रभु इस कथा को कौन से दिन करें। तो भगवान कहने लगे सत्य पूजा करी श्यामी देव पूजा नमस्तुते भगवान की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं उसके लिए कोई टाइम नहीं है कोई घड़ी नहीं है क्योंकि आप सत्य बोल रहे हैं। सत्य बोलने के लिए टाइम की जरूरत नहीं होती है सत्य बोलने के लिए दिन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आप नारायण का पूजन कर रहे हैं नारायण का नाम ले रहे हैं ध्यान कर रहे हैं। और विशेष तत्व इस पूजा का नियम है कि जन्म दिन महादेवा विष्णु देवा नमस्तुते जन्म दिन में शादी ब्याह में नामकरण में जो कुछ पहले क्या है हम सत्य बोले और हमारा जीवन सत्य में ही चलता रहे हमारा जीवन सत्य में ही चलता रहे सत्य का नाम लेते रहे सत्य का ध्यान करते रहे और सत्य की सेवा करते रहे। और ये सत्यनारायण की पूजा हमको किसने दी है हमारे पूर्वजों ने दी है ये हमारा क्या है प्रसाद है कहते नहीं कि देव प्रसाद है हमारे लिए अगर हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे इसको हम चलाएंगे नहीं आने वाला समय भी क्या है ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है देव पूजा पहले समय था आरोग्य पहले लोग करते थे बहुत पहले की पहले अभी भी समय कहीं कहीं है कि लोग क्या है जन्मदिन होता था ना बच्चों का तो पहले भगवान का पूजन अवश्य करते थे सुबह जन्मदिन में बहुत पूजा करते थे नवग्रह पूजा सप्तर्षि पूजन ध्यान धूम सब करके और जिसको करना होगा तो शाम को करते थे नहीं करना होगा तो कोई जरूरी नहीं था। पर आजकल का समय बदल चुका है कहते हैं और कुछ नहीं शाम को केक मंगाओ अरे कोई नहीं पूजा होती है तो होती है ना होते ना हो पर केक मंगाओ और केक में क्या है मोमबत्ती जलाओ और उसको बुझा भी दो
ये कहते कहते मोमबत्ती जलाओ और कहते बच्चा बुझा दे फूक से, क्योंकि उसके जीवन में तुम उजाला डाल रहे हो, अंधेरा थोड़ी डालना है। कहते मोमबत्ती जलाते फिर उसको बुझा भी देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ठीक है मनाए अच्छी बात है, अगर आप जलाते हो तो दीपक को जलते ही रहना चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए। देव पूजा यथार्थम आरोग्य नमस्ते, अगर बुझा दिया तो समझ लीजिए स्वयं उस बच्चे के जीवन में आप अंधेरा डाल रहे हैं, उजाला थोड़ी डाल रहे हैं, क्योंकि पहले जलाया और फिर उसी समय बुझा दिया। तो देव पूजा यथार्थम चो, इसलिए कहते हैं भगवान नारायण हम, ये तो पहले अब तो क्या है, ये तो अपने आप इंसान ने बनाया, ये भगवान ने थोड़ी बनाया है, इंसान ने स्वयं बनाया इस चीज को। तो जो इंसान ने बनाया तो इंसान कौन से अच्छा बनाएगा, वो तो खराब ही बनाएगा। तो देव पूजा यथार्थम चो, यहाँ पर क्या है नारद जी को ये बताया, हे नारद जी विशेष सर जन्मदिन विधि पूजनम चो, जन्मदिन में भगवान का नाम लेना, पूजन करना, सेवा करना और नवग्रह को शांत रखने के लिए और सप्त ऋषियों का ध्यान करने के लिए भगवान का पूजन अवश्य करें। इस प्रकार नारद जी ने कहा, प्रभु कलयुग में सोचेंगे ज्यादा करेंगे कम, उनके लिए हम कौन सा दिन बताएं। ये कहने लगे तो कहने लगे कि अगर कोई विशेष रूप से ध्यान करता ही है, पूछता है कौन सा दिन है, तो कह दीजिए सौर मास की संक्रांति पूर्णिमा को भगवान का नाम लीजिए। अगर कोई विशेष ध्यान करता है तो विशेष बात पूछता है कि नहीं हमको अच्छा दिन अच्छा दिन, तो उनके कह दीजिएगा एक महीने में दो दिन आते हैं इसके, या संक्रांति आएगी या पूर्णिमा आएगी, तो किसी दिन भगवान के हो जाइए। एक ही घड़ी सही, आधा ही घड़ी सही, थोड़ी देर सही, हमेशा हम झूठ बोलते हैं, एक दिन थोड़ी देर के लिए तो सत्य बोल लीजिए। भाई इंसान झूठे बोलता है सुबह से शाम तक, और सत्य हम कब बोलते हैं, जब भगवान की पूजा करते हैं, चाहे पाप भी किया तो भगवान से कह देते हैं ये प्रभु माफ करना, मंदिर में जाते हैं तो भगवान से ही कहते हैं प्रभु जो कुछ पाप किया हमको क्षमा करना, मतलब हम सत्य बोल रहे हैं भगवान से, और उसे हम सत्य नहीं बोलेंगे पर नारायण से हम सत्य बोल लेते हैं, तो वही सत्य नारायण है, जहाँ पर हम सत्य बोलते हैं वही नारायण है। इसलिए जो हमारा जीवन देख रहे हैं, हमको चला रहे हैं, वही सबसे बड़े हैं। भाई हम तो कहते हैं हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है हम गाड़ी चला रहे हैं, हमको कौन चला रहा है, हमको भी तो कोई अंदर चला रहा है तभी तो हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर हमको चलाता ही नहीं कोई तो हम गाड़ी चला ही नहीं सकते थे, तो हमको भी तो कोई चला रहा है, तो कौन बैठा है, वही जो हमको चला रहा है वही सत्य है, वही नारायण है जो नारायण हमको चलाता है। इसलिए क्या यही बताया नारद जी को, नारद जी ने प्रथम भक्तों को सुनाया, बोलो भगवान सत्यनारायण स्वामी की देव के नंदन है जो जय महादेव देव की नंदन है जो सर्व सिद्धि महा विष्णु गोविंदा नमो उनका मुख्यमंत्री ड्रम केंद्र सत्यवादी देवालय प्रति देव पूजा नमस्ते। फिर दूसरे अध्याय में क्या होता है, काशीपुर नगर में एक अति निर्जन ब्राह्मण रहते थे, तो काशीपुर हमारा शरीर है, निर्जन इसमें आत्मा है, हमेशा भूखी रहती है, इसलिए क्या है ब्राह्मण जी ने भगवान का नाम लिया, ध्यान किया, भगवान की सेवा की और भगवान की वंदना की। ब्राह्मण जी ने क्या है, भगवान ने कहा ब्राह्मण तुम सत्य का पूजन करो, नारायण का नाम लो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे, और इस व्रत से क्या है आत्म संतुष्टि तो मिलती है पर मन की इच्छा भी पूरी होती है। आत्म संतुष्टि पूजा पाठ आदमी क्यों करता है, आत्म संतुष्टि के लिए। हाँ जी आत्म संतुष्टि होगी, भगवान का नाम ले लिया, हमने कथा सुन ली, आरती कर दी, हमें आत्म संतुष्टि हो गई। पर अगर आप अच्छे दिल से बैठे स्वच्छ मन से तो मन की कामना भी पूरी होती है। कहते हैं 24 घंटे में एक बार आदमी सत्य बोलता है, पर वो घंटा कौन है ये कोई नहीं जान पाता है, न जाने कब सत्य निकल जाए किसके मुंह से। इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा बोलेंगे न जाने किसके लिए कब अच्छा आपने बोल लिया और उसका काम हो गया। इसलिए कहते हैं दुर्वचन मत बोलो, दुर्वचन बोलेंगे न जाने किसी के साथ आपने कुछ दुर्वचन बोल दिया और उसके साथ हो गया, तो समझ लीजिए वो तो अब हमेशा के लिए बैरी हो जाएगा कि देखो आज इसने बोला मेरे लिए और मेरा ऐसा काम होना था। और अगर आप सत्य अच्छा बोलेंगे तो उसके साथ हो सकता अच्छा हो जाए, तो 24 घंटे में एक घंटा आदमी सत्य बोलता है। अब न जाने कौन सा घंटा है, जैसे माला होती है 108 बार हम माला फेर देना, एक ही दाने में राम है, पर वो दाना कौन सा कोई नहीं बता पाता है, एक दाने में भगवान है, बाकी सारे दानों में थोड़ी है भगवान, एक में, तो दाना न जाने कौन से। इसलिए कहते हैं 108 बार क्या माला का जाप कर लीजिए, न जाने एक दाने में कहां पर राम आएंगे ये कोई नहीं बता पाता है। जैसे कमल पुष्प है, बच्चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई पता नहीं कहां से शुरू हुआ है ये पुष्प, है तो आठ पंखुड़ी वाला, इसलिए गणेश जी भी आठ पंखों वाले बनते हैं, पता ही नहीं चलता कहां से शुरू हुआ और कहां इसका समापन हुआ, तो ये गणेश जी की उत्पत्ति कहां शुरू हुई कहां समापन हुआ कोई नहीं बता पाता है। इसलिए यही अष्ट दल कमल कहते हैं गणेश भगवान के लिए, मतलब अष्ट दल कमल, कमल के आठ दल जैसे भगवान का स्वरूप है। तो यहाँ पर हो गया, इन्होंने क्या किया यही पूछा ब्राह्मण जी भी क्या है, ऐसे क्या है भगवान की पूजा की, भगवान का नाम लिया, ध्यान किया,
और सत्यनारायण को कदली फल में और गेहूं का चूर्ण बनाकर बंधु बांधव सहित भगवान की पूजा की। यहाँ पर कथा आती है लकड़ारी की। लकड़ारी ने भी क्या है, ब्राह्मण जी को प्रणाम किया और इस कथा का विधि विधान पूछा। तो ब्राह्मण जी कहने लगे, हे लकड़ारा, पूजा कहाँ शुरू हुई, कहाँ समापन होगी, ये किसी ने नहीं बताया। पूजा ये कैसी चीज है, जैसे समुद्र है, समुद्र के किनारे चले जाइए तो समुद्र ही समुद्र नजर आएगा, कहीं कुछ नजर नहीं आएगा। ये है, ये पूजा भी कहाँ शुरू हुई, वेद, ये किसी ने नहीं जाना, और कहाँ इसका अंत है, ये भी किसी ने नहीं जाना। ये तो अखंड है, अपार है, जैसे आकाश में देखे जाओ तो आकाश से आकाश नजर आएगा, कोई आकाश की तुलना नहीं कर पाएगा। ये पूजा ऐसी चीज है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जितना हो सके अपने से वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। पत्र पुष्प भगवान का, नारायण का, कदली फल में गेहूं का चूर्ण बनाना और बंधु बांधव सहित भगवान की सेवा करना। लकड़ारी भी क्या, राजवस्वी सुबह उठे, कहते हैं ऐसे ऐसे देश में जहाँ पहुंचे जहाँ उनको उस लकड़ी का दुगना दाम मिला, कहते हैं अच्छी सोच हमेशा होनी चाहिए। अच्छा होगा तो हमेशा अच्छा ही होता रहेगा, और थोड़ा बुरी सोच आएगी तो समझ लीजिए हमेशा वैसे चलता रहता है। इसलिए इन्होंने क्या है, लकड़हारी ने अच्छा सोचा, भगवान का नाम लिया, ध्यान किया, पूजन किया, और भगवान का क्या है, मासे मासे बर्तन कृत्वा, मैंने मैंने क्या है, भगवान की कथा करते रहे। नारायणम नमस्कृतम, नारद जी ने भी क्या है, द्वितीय अध्याय, भगवान नारायण ने भी द्वितीय अध्याय क्या है, भक्तों को सुनाया। बोलो भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। सत्यम प्रिया प्रियम भूर्यात् न भूर्यात् सत्यम प्रियम प्रियम देव पूजा च हितार्थाय नमो नमः। द्वितीय अध्याय भगवान नारायण अर्पणमस्तु। सर्व कल्याणार्थम च विष्णु पूजा नमो नमः। फिर तीसरे अध्याय में क्या होता है, तुम कुछ जो महाराजा जितेंद्रियम सत्यवादी देवालयो प्रति। तीसरे अध्याय में क्या होता है कि तुम दुज के राजा रानी गंगा के किनारे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे, तो गंगा किनारे भगवान का नाम ले रहे थे, ध्यान कर रहे थे। यहाँ से बढ़िया आया, बढ़िया ने गंगा को प्रणाम किया और राजा से पूछने लगे, एक आगर चित मना, हे प्रभु एक चित मन से आप किस देव का पूजन कर रहे हैं। ये कहने लगे राजा कि हम भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। तो भगवान देव पूजा इतार्थम चो, बढ़िया, कहने लगा प्रभु हम इस कथा को करेंगे, क्योंकि हमारे घर में सब कुछ है पर हमारे घर में संतान नहीं है। तो कहने लगे ठीक है, संतति देव पूजा चो, भाई पूजा करो, कर्म करो, पूजा पाठ करो, ये तो ऊपर वाला फल देगा, हो जाएगा तो अच्छा है, ना होगा तब भी अच्छा है, क्योंकि नारायण का नाम लेने से ही एक मात्र एक सारा हम जीवन का एक नारायण ही नाम है। बाकी मनुष्य क्यों आया क्यों जाया, आहार निद्रा भयम है चुनम चो, आहार निद्रा मल आहार तो क्या है, पशु भी करते हैं, निद्रा सोते भी है, घर गृहस्थी उनकी भी होती है, सबकी होती है, पर मनुष्य एक ऐसी चीज है जो अपना कल्याण कर सकता है। दिमाग, मनुष्य का दिमाग एक ऐसी चीज है जो अपना कल्याण कर सकता है अपने आप में, बाकी कहते नहीं, भाई भतीजा कुटुंब गनेरा अंतकाल में कोई न तेरा। सब जीवन में जब होता है कोई समय आता है उस समय कोई किसी का नहीं होता है, उस समय सिर्फ एक नारायण ही है। ये तो हमारा मुंह माया संसार है, बस ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये तो माया है, और ये तब तक चलेगी जब तक इंसान रहेगा तब तक चलेगी, और जब नहीं होगी बस जब चली तब चली, जब तक चली तब तक चली, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर क्या है, यही समझाया बढ़िया को। बढ़िया ने क्या है, भगवान का नाम लिया, उनकी पत्नी ने कहने लगी प्रभु अगर हमारे घर में संतान हो जाएगी तब हम आपकी कथा करेंगे, आपका नाम लेंगे। धीरे धीरे समय बदलता गया, इन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, कहते हैं इसका नाम रखा गया कलावती। 21वें दिन भगवान सूर्य को जल, कहने लगे प्रभु अब तो भगवान की कथा कर लीजिए, सब कुछ हो गया है। तो याद ये भी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता अनमोतसे नमोतसे अनमोतसे नमो नमः। माया, ये बच्चे क्या है, बाल बच्चे, ये क्या होते हैं, ये माया होती है, और इसी के चक्कर में आदमी फंसा रहता है, बस सुबह से शाम तक, बाकी कुछ नहीं, न किसी का आना, न किसी का जाना, न किसी का कुछ, न किसी का कच, और मोह माया में जब आदमी ज्यादा ही फंस जाता है वो छोड़ नहीं पाता है। जैसे क्या होता है, वो होता है मधु होती है, मीठा मीठा है, तो मीठा जब मिल जाता है तो बहुत सारे होते हैं उसी मीठे में चिपके रहते हैं कि बहुत सुंदर लग रहा है जी, बहुत अच्छा है। तो देव पूजा, क्योंकि कमलम विकसति दौसति, एक कहते हैं कमल का फूल था, देव पूजा, एक भौरा आया, भौरा क्या है, कमल के अंदर चला गया, मतलब माया के अंदर, कमल भौरा कमल के अंदर चला गया और इतना मस्त हो गया वो मीठे में कि उड़ना भूल गया वो, और शाम को कहते सूर्यास्त हुआ तो कमल भी बंद हो गया और भौरा उसी के अंदर चला गया, वो बंद हो गया। अब रात भर सोचता रहा भौरा कि कमल सूर्य भास्कर भानु बिसंती, सूर्य क्या है सुबह उदय होंगे, और सूर्य उदय होंगे मैं उड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मतलब भौरा सब कमल के अंदर सोच ही रहा है, दिमाग मतलब अपना प्लान बना रहा है, ये करूंगा वो करूंगा। उससे पहले क्या होता है, हाथी आता है ना,
सूर्य उदय से पहले हाथी आता है और कमल पुष्प को खा लेता है। तो बोना भी कहा गया हाथी के पेट में। तो हम लोगों को क्या है, ये माया ही है, हम क्या है इस माया में चिपके हुए हैं और इसी के चक्कर में जीवन व्यतीत हो जाता है और तब काल रूपी हाथी आता है वो हमको निगल लेता है। इसलिए क्या कहते हैं, मधु में रहिए पर इतना ना रहिए कि उसी में चिपके रहिए, छोड़ना ही मुश्किल हो उस चीज को। ठीक है, घर गृहस्थी अपनी जगह में, अपना जीवन अपनी जगह में, अपना दान पुण्य, अपना धर्म कर्म, अपना तीर्थ स्थान, वो सब अपना अपनी जगह होता है इंसान का, कोई किसी का उस समय साथ नहीं देता है। इसलिए कहते हैं अपने अपने के कर्म अपने अपने जानो, कहते नहीं अरे उसके कर्मों का फल है, यही तो कहते हैं लोग, और क्या कहते हैं, उसी के कर्मों का फल है, साला भोग रहा है, गाली भी देते हैं साथ में। अब देखो उसने क्या दूसरे के लिए, अरे वो कर्म उसके आ गए, अब कर रहे हो दूसरे के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए भी, और कहते हैं उसके उसके कर्म है वो जाने। अब लगा लीजिए जब कर्म अपने अपने, तो कहते हैं अपना अच्छा करो, बुरा ना करो, बुरा करोगे तो कर्म आधीन देवताओं, कर्मों से क्या है हमारा जीवन चलता है। क्या पर ये हो गया, इन्होंने क्या कह दिया जब इसकी शादी होगी तब भगवान की कथा हो जाएगी। देखो कहां से कहां सोच दिया। अब धीरे धीरे समय बदलता गया, कन्या जवान हुई, वाणी पुत्र को बुलाया, शादी भी हो गई, पर यहाँ पर भूल गए। क्यों भूल गए, यादें भी ईश्वर भूतेशु भ्रांति रूपेण संस्थिता, भ्रांति फैल जाती है। शादी ब्याह में तो आज भी कुछ ही नहीं कर पाता है, चाहे सोचो भी तब भी नहीं हो पाता है शादी ब्याह, ये कैसे की जाए भाई, ये हो गया सो हो गया, आना हो गया फलाना हो गया, और उसी में आदमी क्या है घूमता रहता है और कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए क्या है देव पूजा यथार्थम च, यहाँ पर जब ये बात हो गई तो उन्होंने क्या किया, भूल गए कि भगवान का नाम भी लेना है, ध्यान भी करना है, भगवान की सेवा भी करनी है, कुछ नहीं किया। अब भगवान रुष्ट हो गए, बोला लीलावती कलावती भीख मांग रही है, इधर ससुर जवाई किसी राजा के यहाँ पहुंचे, चंद्र केतु राजा के यहाँ चोरी हुई थी, जहाँ ये दोनों बैठे थे चोरों ने सामान छोड़ दिया, अभी दोनों को पकड़ कर कारागार में ले गए। अब देखो दुख को कहते हैं हमेशा देव पूजा ये सुख है, कभी ये नहीं कहना चाहिए मैं सुखी हूँ, न जाने दुख, ये दोनों भाई होते हैं, आगे सुख है तो पीछे दुख है, और आगे दुख है तो पीछे सुख है, कभी सुख है कभी दुख है, ये तो जीवन की कहानी है। इसलिए सुख में ये नहीं कहना चाहिए मैं सुखी हूँ, और दुख में ये भी नहीं कहना चाहिए कि मैं दुखी हूँ, बस सुख आ रहा है, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, पर इनके जीवन में इतना दुख आ गया, रोने लग गए, भगवान लीलावती कलावती ये दोनों भीख मांगने लगे। एक दिन कहीं पर कथा हो रही थी, कन्या ने कथा सुनी, घर को आई तो माँ कहने लगी, कुत्र गच्छा महाकन्या देव कन्या नमस्तुते, ये कन्या तुम कहाँ थी। कन्या कहने लगी कहीं माँ भगवान की कथा हो रही थी, कौन सी, नारायण की। जैसे माँ ने नारायण का नाम सुना तो माँ रोने लग गई, कहने लगी प्रभु हमने भी आपका नाम लेना था, ध्यान करना था, आपकी सेवा करनी थी, पर प्रभु ये आपने क्या किया, हम आपको भूल गए, बिल्कुल याद ही नहीं रहा, मोह माया में फंस गए, वो जो मीठा था ना, मीठा इतना लगा कि बाद में क्या है, इतना मीठे मीठे में रह गए कि आप शुगर ही हो गया, आप लगा लीजिए। जब आदमी ज्यादा मीठा खाता है ना पहले से, और खाता रहता है खाता रहता है खाता रहता है, उसको ही नहीं कि अभी मतलब शरीर अब ज्यादा साथ नहीं देगा, तो वो भी खाता रहता है और बाद में होता है कि शुगर हो गया, अब दवाई खाओ, पहले मीठा खाए अब कड़वा खाओ। तो कहते हैं अगर आप शुरू से ही क्या है अपने हिसाब से रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा शरीर को, कुछ नहीं, ये निश्चित है। पर अगर हम क्या है पहले से वो कर देंगे, हर एक चीज क्या है जिस चीज की कोई हद ही नहीं होती वो भी अपने शरीर में डाल रहे हैं तो कहाँ जाएगा वो देव पूजा। भाई उम्र के हिसाब से आदमी उस हिसाब से बढ़ता है, 40-50-60, तो तब ये चीज जब आप पहले से वो नहीं कर पाएंगे तो बाद में कहाँ हजम होगा। मशीन के पार्ट होते हैं, जैसे मशीन के पार्ट क्या है कम ज्यादा होते रहते, वैसे शरीर के भी तो है, ये की जैसे थोड़ी है। तो देव पूजा हितार्थम जो त्यां पर ही हो गया, कहने लगे प्रभु हमने बड़ा वो किया, पहले से हमने आपके वो करना था, नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, एक से क्या बातें होने लगी। उधर चंद्र केतु राजा को सपना वही, राजन अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि लीला कलावती ने उधर भगवान को मनाकर उनकी सेवा की। अब यहाँ पर क्या है राजा दोनों को छोड़ दिया, इनके नाव में सोने हीरे जवाहरात भरे और इनको यहाँ से विदा किया। जैसे विदा किया तो कहते हैं जब कोई भी काम बनता है ना तो पहली भगवान हमारी कौन होती है, कहते हैं पहले पहला ध्यान, पहले पहले हमारा कौन होता है, हमारी माँ होती है, सबसे बड़ी भगवान हमारी माँ होती है। राम भी कहते हैं कि जहाँ माँ का पूजन होता है उस घर को मैं छोड़कर कभी नहीं जाता हूँ। कृष्ण भी कहते हैं, सब देवता ही कहते हैं, गणेश जी ने तो माँ पा दो परिक्रमा की, तो सबसे बड़ी भगवान हमारी माँ होती है, दूसरे भगवान हमारे पिता होते हैं और तीसरे हमारे गुरु होते हैं। जहाँ जिस घर में तीनों की पूजा पाठ होती है उस घर में हमेशा सुख संपन्न रहता है, पर जहाँ क्या है ना माँ की पूजा हो ना पिता की ना गुरु का, तो उस घर में क्या है भगवान उतना वो नहीं करते हैं। जहाँ माँ पिता का अपमान हो, गुरु का अपमान हो, भाई माँ बाप कर गुरु का अपमान कर रहे हैं और आप क्या है ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं तो कहाँ होंगे भगवान प्रसन्न, कहेंगे पहले तो माँ का तिरस्कार कर दिया, पिता का कर दिया, गुरु का कर दिया,
इनका तिरस्कार जिस घर में होता है तो उस घर में क्या है, चाहे आप 10 बार मंदिर जाइए, 20 व्रत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ करेंगे ही नहीं भगवान, कुछ सोचेंगे ही नहीं। पर अगर माँ आप पे प्रसन्न है, पिता प्रसन्न है और गुरु प्रसन्न है, भाई गुरु प्रसन्न है तो गुरु भी कह दिया हाँ जी कल्याण हो। गुरु जी ने कह दिया, आपने गुरु आपके घर में आए, आपने गुरु जी की सेवा कर दी, भाई और क्या सेवा करनी है, चाय पिला दी, बैठा दिया, उठा दिया, जो कुछ है गुरु का, जो अपने भाव के प्रति अपने फूल है वो कर दिए। तो गुरु ने कहा ठीक है, आयुष्मान भव, दीर्घायु चिरंजीव। आप गुरु आ रहे हैं, आप दरवाजा बंद करें तो गुरु क्या है मुंह बना के जा रहे हैं। ये माता से, पिता से, जो कुछ है, तीन तीन अगर खुश हैं तो भगवान भी खुश हैं। इसलिए इन्होंने माता पिता गुरु का अपमान कर दिया, किसी की सेवा नहीं की, किसी की वंदना नहीं। राजा ने इतना सारा दौलत दे दिया, इन्होंने कहा हमारा भाग्य कितना सुंदर है। कहते हैं भाग्य भी तभी बनता है जब अपने से बड़ों का आशीर्वाद होता है। अगर अपने अपने से बड़ों का आशीर्वाद नहीं हो तो बना हुआ भाग्य भी चला जाता है। अगर भाग्य बन गया, माता पिता गुरु का आशीर्वाद नहीं लिया तो भाग्य भी चला जाता है। इसने उन्होंने क्या किया, न तो किसी का दिया और मद मस्त होकर क्या है आगे की यात्रा शुरू की। बोलो भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। सत्यनारायणम देवा विष्णु पूजा नमस्ते चतुर्थम ध्यान महादेवा देवकी नंदनाय च भगवान चतुर्थ भगवान पुष्पम समफूल ले लीजिएगा। चतुर्थ अध्याय नारायण आय नमो नमः। फिर चौथे अध्याय में क्या क्या भगवान नारायण ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। साधु का भेष बनाया और इनके सामने चले गए, कहने लगे हे बढ़िया तुम्हारी नाव में क्या है। ये दोनों कहने लगे कुछ नहीं प्रभु, बेलपाती भरा हुआ है। तो भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, जैसे तुमने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। ना हम तुमको कुछ दे रहे हैं ना तुमसे ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं भगवान किसी को देते नहीं है और किसी से लेते भी नहीं है, ये तो हमारा कर्म है। कहते नहीं, एक फूल चढ़ाओगे तो 10 मिलेगा, इसका पूजा में 10 गुना फल प्राप्त होता है, और जगह नहीं होगा। पूजा एक ऐसी चीज है, आपने किया तो आपको धीरे 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 इसका असर मिलता रहेगा। पर कब जब करेंगे, करेंगे नहीं तो मिलेगा भी कहां से। इसलिए क्या है पूजा वो भी कर्म, मन से नहीं। मन से तो मैं भी सोच दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मन तो चलायमान होता है। जब तक कर्म नहीं करोगे आप सोचेंगे हाँ जी बद्रीनाथ चला गया मैं, तो बद्रीनाथ मन नहीं छुट गए, कर्म थोड़ी किया। इतना बड़ा बद्रीनाथ न जाने कभी भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा, शरीर को कष्ट भी होगा, तो फल तो भी प्राप्त होगी। कर्म कर्तव्य देव पूजा, कर्म कर्तव्य देव पूजा और देवताओं का पूजन। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, भगवान ने झूठ कह दिया हमारी नाव में कुछ नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है भैया, जैसे तुमने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। स्नान ध्यान किया, इन्होंने क्या किया स्नान ध्यान करके अपनी नाव को देखा, रोने लगे, खाली हो गई। इनका जो जवान था कहने लगे ससुर जी रोने से काम नहीं चलेगा, साधु के पास चलिए, भगवान एक ऐसी चीज है वो सब कुछ कर ठीक कर देंगे। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा ये बढ़िया मैं शब्द मत लाना, मैं से हमेशा जीवन मत चलाना, अपने छोटे पन से क्या है छोटे से हमें जीवन चलाए, हमेशा सद्भाव से जीवन चलाए तो सब हमारे साथ रहते हैं। अब बड़ापन से अगर हम जीवन चलाते हैं ना तो कोई साथ नहीं देता है, थोड़ी देर बात कर लेंगे पर बाद में गाली भी दे देते हैं पीछे से। बड़ा आदमी होगा तो अपने लिए होगा, हमारे सामने बात इतनी चौंक रहा है मतलब सभी बोलते हैं। पर अगर आप छोटे बन के चलेंगे तो कह रहे यार ये अच्छा आदमी है, क्या हुआ भगवान सबको दे, जैसे इसको दे रखा है वैसे औरों को भी दे। ये क्या है मन के विचार भाव, तो आत्मशुद्धि इन चीजों से आत्मशुद्धि होती है। आत्म जो हमारे इतनी मतलब हमारे शरीर की इतनी गंदगी है, ये है मन विचार गंदे है, इससे हम अच्छा सोचते तो अच्छी आत्मशुद्धि हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने कह दिया क्या क्या है, भगवान के पास गए, भगवान ने कहा ये बढ़िया मैं शब्द मत लाना, एक से एक उपदेश इनको दिए और इनको यहाँ से विदा किया। लीलावती कलावती जैसे पूजा पाठ कर रही थी, यहाँ पर इन्होंने सुना हमारे पति आ गए हैं, सारी पूजा छोड़ दी। जैसे यहाँ पर पूजा हो रही है कोई आएगा भी क्या आप हाँ जी आपका मिलने वाला आ रखा है, अगर आप चले जाएंगे तो इनका अपमान हो जाएगा, भैया वो आए हैं तो आए हैं थोड़ी देर से ही और सही भैया आधा घंटा रुक गए 15 मिनट और रुक जाए 10 मिनट और रुक जाए, जो कुछ है अगर इनकी अपमान होता है तो समझ लें नारायणम सृष्टि देवा चो भगवान क्या है रुष्ट हो जाते हैं। इनका अपमान हो गया, इन्होंने क्या है लीलावती कलावती जैसे वहां पर गई अपने पति के दर्शन नहीं किए। कन्या ने सती होने का निश्चय किया, आकाशवाणी हुई ये कन्या ऐसा मत करो, घर में जाओ और पहले भगवान का पूजन करो, एक काम पूरा करो, एक काम चाहे 2 मिनट में हो, ये नहीं कि घंटों लगा लो, ऐसा नहीं है। तो कलयुग ऐसा युग है अगर आप 4 घंटे पूजा में रख देंगे तो मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि कलयुग है हमेशा मन भागता रहता है, ये भी करना है वो भी करना है वहां भी जाना है ये भी है, कई बातें होती है। 1 घंटा में ही क्या है हम हरि को पा लेंगे। द्वापर त्रेता में ऋषि मुनि थक जाते थे तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी, और कलयुग में अगर थोड़ा ध्यान लग गया तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग की ये मानते हैं
कि आप थोड़ी देर भगवान का पूजन करिए, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा करेंगे तो मन चलायमान हो जाएगा। इसलिए क्या इन्होंने यही किया, भगवान का क्या है, लीलावती कलावती घर में आई, भगवान का पूजन किया, फिर अपने पति के दर्शन किए, फिर कहने लगे प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हम अपना कर्म तो करते रहेंगे। कहते नहीं, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम भी करते रहो और नाम जपते रहो। काम में कोई वो थोड़ी है कि काम काम करना छोड़ देना है। पूजा तो मैंने कहा नहीं, एक घड़ी आधा घड़ी सुबह शाम की पूजा होती है, थोड़ी देर भाई, थोड़ी देर किया भगवान का दिया बत्ती, भगवान का फूल भोग, और उसके बाद अपना काम करते रहिए। नाम अगर है तो नाम जपते रहिए, नहीं है तो शाम को फिर पूजा पाठ करिए। थोड़ी देर से एक घड़ी आधा घड़ी हमेशा नियम बनाना चाहिए कि प्रभु ये जीवन हमारा इसलिए भी है कि हम आपका नाम है। हाथों की शोभा कहते हैं भगवान, भगवान को फूल चढ़ाने से हाथों की शोभा बढ़ती है। हमारे कानों की शोभा भगवान की पूजा पाठ से बनती है, आंखों की शोभा भगवान के दर्शन करने से बनती है, हमारे पाँव की शोभा भगवान के लिए चढ़ना बनती है, तो शरीर और शरीर को झुकाने की शोभा भगवान हमारा मस्तक शुद्ध होता है। इसलिए ही लीलावती कलावती ने मांगा और नाना भोग करी भी सत्य लोग को प्राप्त हुए। बोलो भगवान चतुरा स्वामी की जय। सत्य पूजा करी स्वामी देव पूजा नम देव सर्व सिद्धि महाविष्णु गोविंदाय नमो नमः। फिर पांचवा अध्याय में क्या होता है, दुंगदुज के जो राजा थे उन्होंने भी भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को स्वीकार नहीं किया। ग्वाल वाल कहीं पर भगवान की भक्ति कर रहे थे जंगल में, राजा ने ग्वाल वालों को देखा, ग्वाल वालों ने भगवान का भोग लगाया और राजा के बाद प्रसाद ले गए, तो राजा ने उस प्रसाद को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं, मैंने कहा नहीं, राजा हमारा मन है, ये मन बड़ा अहंकारी होता है। अगर कुछ भी अगर कुछ हो गया, कुछ नहीं हो गया तो हम उसको चीज को वो नहीं लेते हैं, अरे कोई नहीं तो होता ही रहता है, मतलब कुछ उसको एकदम वो नहीं लेते। ये नहीं सोचा राजा ने ये ग्वाल वाल है निस्वार्थ भाव, जिनके मन में कोई स्वार्थ नहीं, ये बच्चे हैं ना इनसे कोई स्वार्थ नहीं भगवान से, ये आते हैं चाहे बगस बजा रहे हैं चाहे ताली बजा रहे हैं पर निस्वार्थ है, बगस बजाने में भी निस्वार्थ है ताली बजाने में भी निस्वार्थ है, मतलब हमारा स्वार्थ है, हम किस लिए और कुछ नहीं होगा, भगवान हमको सुखी रखना ये हमारा स्वार्थ हो गया। बच्चों का कोई इसमें भी नहीं है, वो आएंगे हाथ जोड़ेंगे तो ठीक, ना भी जोड़ेंगे तब भी ठीक, तो उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, हमारा स्वार्थ हो जाता है हम लोगों का। तो इसमें क्या है, ग्वाल वाल निस्वार्थ भाव से भगवान का पूजन कर रहे थे। और कौन से ग्वाल वाल, कहते नहीं अग्रम देव पूजा हितार्थम नमस्तुते, ऐसे ग्वाल वाल जो भगवान के माता पिता पूजा पाठ करते थे, और बच्चे भी क्या है उसमें क्या है देखते रहते थे, हाँ जी मम्मी पापा पूजा पाठ करें, आज नहीं करेंगे तो कल, बच्चे कर लेंगे देखो परसों, तो उस चीज को अवश्य सीखेंगे वो, पर अगर माँ बाप नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं सीखेंगे, उनको क्या पता पूजा क्या होती है पाठ क्या होती है। इसीलिए कहते हैं गृह गृह ग्रहम द्वारम, घर घर में मतलब इतना अवश्य बनाना चाहिए, पहले तो 6 महीने में नहीं तो साल भर में नहीं तो महीने महीने में एक बार अवश्य थोड़ी देर भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता चले ये हमारे पूर्वजों ने पूजा हमको दी है और हमने इसको छोड़ दिया है तो समझ लीजिए हमारे लिए पाप होता है, बच्चों के लिए कोई नहीं अपने लिए होता है इंसान करता है पाप, क्योंकि आप नहीं सिखाएंगे तो कैसे सीखेंगे। इसलिए कहते हैं देव पूजा हितार्थम च, यहाँ पर क्या है ग्वाल वाले वही पूजा कर रहे थे, ग्वाल वालों ने भगवान का नाम लिया, राजा को प्रसाद दिया, राजा ने उस प्रसाद को स्वीकार नहीं किया, जैसे स्वीकार नहीं किया तो राजा का सब कुछ नष्ट हो गया, देव पूजा हितार्थम आरोग्य नमस्ते, जैसे नष्ट हो गया राजा का तो राजा राजवस्विनी सुबह उठे स्नान ध्यान किया फिर उसी जंगल में गए, उसी जंगल में उन्होंने पहले क्या है ग्वाल वालों की सेवा की, क्योंकि भगवान से बड़े भक्त होते हैं, भक्त अगर ना हो तो भगवान भी कहां से आते निश्चित है, भक्तों से भगवान भगवान, इसलिए राजा ने पहले ग्वाल वालों की सेवा की, ग्वाल वालों को प्रणाम किया, नाम लिया, ध्यान किया, फिर उसी प्रकार की पूजा की, फिर उस प्रसाद को स्वीकार किया, भगवान की कृपा से राजा को सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर राजा ने ग्वाल वालों सहित अपने राजमहल में ले गए और पूरे मासे मासे वर्तम कृत्वा मैंने मैंने क्या है भगवान की कथा करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे और भगवान का ध्यान करते रहे। इसीलिए कहते हैं कि क्या है कुछ न कुछ हमेशा पूजा पाठ करना चाहिए, अपने आप को इतना वो करो कि द्विज नामा देव पूजा हितार्थम नमस्तुते, भगवान का नाम, भगवान की सेवा और भगवान का काम। पर हम क्या है आजकल हम जो हमारा जो समय है हमारा समाज है हम है चाहे हम अपने दृष्टांत दे रहे हैं देव पूजा हितार्थम चो, भाई देव पूजा हितार्थम चो, आजकल क्या है देव पूजा हमारे सामने एक से एक आ गए हैं, ये भी आ गया है वो भी आ गया है सो भी आ गया है, चाहे कोई भी सामान ले लीजिए देव पूजा हितार्थम चो, तो हम उस चीज को क्या है वो भूल गए हैं। इसलिए क्या है इन सब चीजों को पीछे करके हमें अपना समय क्या आगे बढ़ाना है, अपने नारायण का नाम ध्यान भगवान का पूजन। ये कथा यही बताती है
एक घड़ी सही, एक घड़ी सही, आधा ही घड़ी सही, थोड़ी देर सही, और भगवान का नाम। इस कथा में आपने देखा होगा बहुत आलस्य आता है, आलस्य नींद भी आती है, आदमी देर में भी आता है, जगह जगह कहते हैं नींद आती है, आलस्य आता है, देर में आता है, आदमी बातें भी करता है। इसका कारण है, क्या कारण है? रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण को मारा, उनकी आंखों से नींद छूटी, तो नींद ने कहा हे राम जी मैं आपको श्राप देती हूँ, क्या जहाँ आपकी कथा पूजा होगी वहां मैं पहले पहुंच जाऊंगी और आदमी को डिस्टर्ब करूंगी, आपकी पूजा नहीं होने दूंगी, पाप करवाऊंगी, पुण्य नहीं होने दूंगी। तो रामचंद्र जी ने कहा ठीक है निंद्रा, मैंने भी कुंभकर्ण को मारा, क्योंकि निर्दोष था वो, सो रहे थे कुंभकर्ण, तो रावण ने चलो सीतारण क्या तब मारा गया, कुंभकर्ण क्यों मारा गया? इसलिए क्या है, रामचंद्र जी ने कहा हे निंद्रा मेरी भी एक बात है, क्या है, जहां मेरा शंख बजेगा जयकारा होगा वहां तू नहीं आएगी। इसलिए क्या है, हम बार बार शंख बजाते हैं कि नींद ना आए, आलस्य ना आए, आदमी बातें ना करे, अगर आप आदमी बातें करते हैं तो पूजा पाठ में भी डिस्टर्ब होता है आदमी, और नींद आती है तो तब भी डिस्टर्ब होता है, अगर आप सो जाएंगे तो मैं भी यहाँ से सोऊंगा, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज, एक सोता है ना तो दूसरा भी सोने का वो चेष्टा करता है कि कैसे नींद में तो थोड़ा मैं भी सो जाऊं, तो क्या है आदमी दूसरा भी सो जाता है, तीसरा भी सो जाता है और चौथा भी सो जाता है। इसलिए क्या है, शंख बजाना पड़ता है कि नींद ना आए, आदि व्याधि ना आए। पर आज का समय का वो है, नींद भी क्या है, आदमी शंख बजता है, जयकारा होता है, इसलिए क्या है, इसको भगाने के लिए शंख बजाया जाता है। और एक आज का तो और भी समस्या है, मोबाइल, मोबाइल ज्यादा ही हो गया कहीं से, यहाँ तो चलो कोई नहीं, दो चार लोग हैं, इतने फोन अभी किसी के आए नहीं, बहुत सारी जगह कमरा भरा रहता है, वहां से घंटी बजी, इधर से बजी, उधर से बजी, ये बजी वो बजी, तो घंटी घंटी, हाँ अभी, हाँ अभी आ रहा हूँ, हाँ थोड़ी देर में, फिर वो बोल रहा अभी आ रहा हूँ, हाँ थोड़ी देर में, मतलब पूजा से कोई मतलब ही नहीं, जैसे वो मोबाइल सुनने आ रहे हो और यहाँ मोबाइल का ही काम चल रहे हो, मोबाइल कंपनी खोल रहे हो पूजा में, तो कहते हैं वो सबसे बड़ा गलत काम है भाई, एक घंटे अगर आप पूजा पाठ करते हैं एक घंटा ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बात खत्म। किसी के पहले भी तो अब होते थे काम, क्या काम अभी हो रहे हैं, पहले भी तो होते थे काम काज, देखो पूजा, और उससे हमारा बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, बच्चे तो बिगड़ ही रहे हैं, मम्मी पापा कह रहे हैं एक फोन मम्मी ने ले रखा है पापा ने, और बच्चे को वहाँ दे दिया कि तुम वहाँ खेलो अपने फोन से, हमें डिस्टर्ब ना करो, बस बच्चा उसी में दिन रात अपने आंखें देख रहा है, और बाद में कह रहे हैं बच्चे बिगड़ गए, बच्चे नहीं बिगड़े, हम बिगड़े पहले, हम पहले बिना मोबाइल के बच्चे जो संभाले जाते थे, और अब क्या है, छोटा ही बच्चा, कोई बच्चा है हमारा बच्चा, आपको बस शुरू से ही लगा है वो, और उसी में खुश है वो, और बाद में क्या है वो उसी का कारण बन जाता है, उसी में उसकी आदत हो जाती है। इसलिए क्या है, ऐसे चीजों से दूर पहले ही, कि भगवान ठीक है थोड़ा बहुत समय होता है एक चीज के लिए, भैया थोड़ी की बात सुबह से शाम तक उसी के पीछे आप बिल्कुल अलग बैठ गया, दे दिया उसको, खिलाओ बच्चों को, पिलाओ, उन चीजों से दूर रखो, क्योंकि उनका भविष्य बनेगा, थोड़ी देर से ही, यानी कि दिन एक घंटा, एक दिन में दे दो कोई बात नहीं, पर दिन भर बहुत सारे बच्चे सुबह से शाम तक दे दो, किस घर में मोबाइल बच्चे, तो माँ बाप क्या कर रहे हैं, ये कोई और क्या कर रहा है, पहले वो देखो तो सही बच्चों को, उनका भविष्य कहाँ जा रहा है, आंखें फोड़ रही है बार बार, दिमाग का वो पड़ जाता है उसमें ज्यादा करने से, इसलिए क्या है ऐसी चीजें नहीं, ठीक है अपनी सुविधा अच्छी है ये नहीं, पर ऐसी सुविधा रखिए जिससे अपना आप में सब सुरक्षित रहे। भगवान देव पूजा है तार समझो, कथा में यही होता है, रामचंद्र जी ने ही नहीं, इसीलिए क्या शंख घंटी का विधान दे दिया, शंख बजाओ, घंटी बजाओ, घंटी बजाएंगे सुबह, बच्चे कहेंगे मम्मी घंटी दे दो, अब घंटी बजा रहा है, कुछ नहीं कर रहा तो घंटी बजा रहा है, अब मम्मी घंटी नहीं बजा रही तो बच्चा भी क्या घंटी बजाएगा, ये है ये सब विधान पहले से दे रखा है, वो समय नहीं था ये सब कुछ, पर वेद जो है अपने हिसाब से चलता है, कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, घंटी दे दो, शंख बजाना सिखा दो बच्चों को, और कुछ नहीं तो शंख ही बजाएं, घंटी बजाएं, तो ये सब था, पर जब बजाए ना तब तो देव पूजा है, तब तो भगवान कहते हैं इस कथा को मनन करना चाहिए, सुनना चाहिए, नाम लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और मेरी भी भगवान सत्यनारायण से यही प्रार्थना है कि भगवान सबके कष्टों को दूर करें और नारायण का नाम लें। और ये माँ का महीना बहुत अच्छा होता है पूजा पाठ के लिए, इस समय सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, और बहुत अच्छा दान हो चाहे पुण्य हो चाहे पूजा हो चाहे पाठ हो चाहे गंगा स्नान हो, सबसे सुंदर महीना है माघ का, माघ मासी महाप्रयागी, प्रयाग गंगा काशी, प्रयाग गया काशी, माघ मासी जहाँ पूजा पाठ होती है ना माघ मान में, गया काशी सब वही है, सब वही है, आप समझ लो हरिद्वार में डुबकी लगा रहे इस समय, हरि हरिद्वाराय नमः, देव प्रयागाय नमः, रुद्र प्रयाग, पंच प्रयागाय नमः, उस समय माघ मास की विशेष सदी गई है। बोलो भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय, नरोत्तम देवी सरस्वती चतुर्थे, पांच बार प्रणाम कर लीजिए, प्रथम अध्याय नारायण अर्पणमस्तु, द्वितीय अध्याय नारायण अर्पणमस्तु, तृतीय अध्याय नारायण अर्पणमस्तु, चतुर्थ पंचम अध्याय नारायण अर्पणमस्तु।
वासुदेवाय नमो नमः। ओम गंधचतम समर्पयामि भगवान नारायणाय नमः। आरतिकं समर्पयामि वासुदेवाय नमो नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयामुदीरयेत भगवान वासुदेवाय नमो नमः। ओम नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयामुदीरयेत भगवान वासुदेवाय नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि भगवान कंदकजतम समर्पयामि सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। ग्वाले बाले संग राजा बन में बाती करी स्वामी बन में बाती करी मन वांछित पर दीना मन वांछित पर दीना दीन दयाल हरि। ओम जय तुमेव विद्या दर्विनम तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वचन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि भवं भवानी सरितं नमामि। आवनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरो पापं पापकर्मणां पापात्मा पाप संभवा त्रायमां पार्वतीनाथ सर्व पापं हरो भव। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। भवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो इष्ट देवताओं की जय। बोलो कुल देवता की जय। बोलो ग्राम देवता की जय। बोलो स्थान देवता की जय। बोलो पितृ देवताओं की जय। केदारेश्वर महादेव की जय। गंगा मैया की जय। गुरु भगवान की जय। अपने अपने माता चरणों की जय। हरे हरे माने हरे हरे माने हरे हरे माने। ओम आरतिकं समर्पयामि सर्वे देवेभ्यो नमो नमः। मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि हरि ओम जन्म दिन विधि पूजनम सर्व कल्याणार्थाय नमो नमः। शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। खुश रहो खुश ऐसे करते रहो भगवान कल्याण करे अति दूर करें।